जिसको अकेले सबका सामना सच में बहुत ही टैलेंटेड है। वाकई ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। जानते हो रॉबिन हुड ने एक ही दिन से 3 कार्ड को निशाना बनाया। रॉबिन हुड ने बहादुर लोगों की तो कोई कदर ही नहीं करता। मेरे ख्याल से तो उसे किंग की जगह होना चाहिए। मुझे तो वो दिन याद आ रहा है जब रॉबिन ने लिव को धोखे से गिरा दिया था। डोंट वरी डैडी, मैं तुम्हें बचा लूंगी। तुम दोनों क्या खेल रहे हो? हम खेल रहे हैं रॉबिन हुड। मैं हूँ रॉबिन और डैडी है मेरियन। वाओ, बहुत अच्छा गेम है। तुम फ्रायर डक बनोगी या लिटिल जॉन? क्या मैं लिव नहीं रह सकती? मैं अच्छी नहीं? नहीं, तुम अच्छी हो लेकिन शायद हार जाओगी। जल्द पता चल जाएगा कि कौन बेस्ट है रॉबिन। क्योंकि रॉबिन की वजह से हम अपने टैक्स वसूल नहीं कर पा रहे, इसलिए मैंने ये फैसला किया है। लेकिन वो जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। मिलो मेरे वुल्फ गार्ड से। कौन है ये? बड़े कामों के पैसे बड़े होते हैं और ऐसे कामों के पैसे मैं एडवांस में लेता हूँ। अच्छा ये लो। फिकर मत करो, ये पंजे काफी है। एक की कीमत में दो, अगर दो की कीमत में 4 देते हो तो डील डन करते हैं। ये लो, ये सारे एप्पल आज ही आए हैं, फ्रेश हैं। ओह थैंक यू। रॉबिन, यहाँ आओ, लड़ाई शुरू करो मुझसे। लेव, लेकिन मैंने क्या किया है? तुमने मुझे बस लड़ा है। क्या हुआ? मैं नहीं लड़ना चाहता तुमसे। लेकिन मुझे लड़ाई करनी है। बस बहुत हो गया। मेरे दोस्त को हाथ ही मत लगाना। इस मसले से दूर रहो तुम। ये लड़ाई लंबी नहीं चलेगी। बस अब रुक जाओ। शुक्र है ज्यादा वाइकिंग्स ने नहीं देखा, वरना बहुत मजाक उड़ाते लिव का। सही कहा। मेरी बात और से सुनो गांव वालों, महंगाई बहुत बढ़ गई है और मेरे खर्चे भी, इसलिए अब मैं टैक्स डबल कर रहा हूँ। क्या डबल कर रहे हैं फिर से? ये तो गलत बात है प्रिंस जॉन। सही और गलत तुम बताओगे मुझे। तो तुम लोगों जो टैक्स नहीं देना चाहते। हे, लगता है ऐसे समझ नहीं आएगा। रॉबिन, क्या किस्मत है तुम्हारी, देखो जरा कौन आया है तुमसे मिलने। अटैक! इससे कैसे बचोगे? ये लो। मेरे नादान दोस्त ये मुझ पर असर नहीं करेगा। बारिश कैसे करते हैं ये मैं तुम्हें बताऊंगा। ये लो बच्चों। चलो निकले यहां से। तुम सबसे बड़े लूजर हो रॉबिन। चलो चलो शो खत्म हुआ, अब अपनी अपनी जेबें खाली करो। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्ट करने का रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। आ, 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 आ,
देखो मेरी बात सुनो रॉबिन, जब तक इन वॉल्व्स के पास पंजे हैं, हम कभी इन्हें अरोस की मदद से नहीं हरा सकेंगे। लेकिन मैं समझ गया तुम क्या कहना चाह रही हो, लेकिन लेकिन लिव उन्हें आसानी से हरा सकती है। अगर वो तुम्हारी साइड पर होती तो तुम कब के जीत चुके होते। अगर अब उससे मदद मांगेंगे तो वो हमारे बारे में क्या सोचेगी, ये सोचा तुमने? तुम लोग ठीक कह रहे हो, लिव की मदद लेना जरूरी है। मैं अगर उससे पूछूंगा तो वो मना कर देगी, लेकिन अगर मैरियन पूछे तो शायद। ठीक है। क्या कहा तुमने? मैं असली वाइकिंग नहीं हूँ, जरा यही बात फिर से कहना। लिव, मैं वाइकिंग नहीं हूँ। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम यहाँ क्या करने आई हो प्रिंसेस? चली जाओ, अकेला छोड़ दो मुझे। सारे वाइकिंग हंस रहे हैं मुझ पर और ये सब रॉबिन का कसूर है। देखो लिव, रॉबिन को तुम्हारी जरूरत है, तुम दोनों मिलकर वुल्फ गार्ड्स को हरा सकते हो और इस तरह वाइकिंग्स भी इंप्रेस हो जाएगा। मैं रॉबिन का साथ हूँ? तुम मजाक कर रही हो ना, जब वो हारेगा तो वाइकिंग्स के सामने उसकी इज्जत नहीं रहेगी। हाँ शायद, लेकिन क्या ऐसा करके तुम्हारी इज्जत बढ़ जाएगी उनके सामने? नहीं, लेकिन ये मसला वाइकिंग्स का नहीं है। लेकिन मसला बन सकता है, अगर प्रिंस जॉन को नहीं रोका गया तो वुल्फ गार्ड्स का इस्तेमाल करके वाइकिंग्स पर भी कब्जा कर लेगा वो। देखते हैं वो ये कैसे करता है। वाइकिंग्स। तुम दोनों को क्या हुआ? वो वुल्फ गार्ड्स, उन्होंने सब कुछ छीन लिया हमसे। मेरे ख्याल है हमें अपने लोगों को बता देना चाहिए। उन लोगों को अभी कुछ मत बताना, सही वक्त आने दो, मैं खुद बताऊंगी उन्हें। तुम क्या करोगे जब रॉबिन कुछ नहीं करता? ये तो तुम लोगों को वक्त बताएगा। तुम क्या कर रही हो यहाँ? रिलैक्स रॉबिन, मैं यहाँ तुमसे लड़ने के लिए नहीं आई, मैं वॉल्फ से लड़ने के लिए जा रही हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, अपने लोगों की हिफाजत के लिए। उन लोगों को नहीं छोड़ूंगी मैं। हम दोनों साथ भी तो लड़ सकते हैं। जी तो बेस्ट वॉरियर की हूँ। वो मान गए। बहुत बहुत शुक्रिया, आज का दिन बहुत ही कमाल का था। तो कल मिलते हैं इसी जगह इसी टाइम पे इसी काम के लिए। बिल्कुल सही कहा, आज तुम लोगों ने टैक्स दिया है और कल तुम लोगों से लेवीज कलेक्ट किया जाएगा। दोनों में बहुत फर्क है। मिशन पूरा हुआ, सबने टैक्स दे दिया। I'm sorry, पहले मैं इस गेम के रूल्स नहीं जानता था, क्यों ना दोबारा मैच करें। मेरे डैड हमेशा कहते हैं कि जब तुम्हारे नाखून लंबे हो जाए तो उन्हें काट देना चाहिए। ऊपर देखो वो कौन है। जो पकड़ो मुझे। मान लो कि तुम लोग हार गए हो, अपने कैनल्स में वापस जाओ।
तुम्हारे बगैर हम ये नहीं कर पाते, तो क्या दोस्ती करोगी? तुमने बहुत अच्छा किया लेकिन मुझसे बेहतर नहीं। फिलहाल तुम आराम करो, और दोस्ती करनी है या नहीं ये हम बाद में सोचेंगे। हाँ, इसे समझना बहुत मुश्किल काम है। और उसने अपनी कुल्हाड़ी निकाली और उसको इस तरह घुमाया, जू जू। ऐसा तुम बता रहे हो, मैंने तो ऐसा कभी। क्या तुम हमें भी सिखा सकती हो? तुम एक गंदे वुल्फ गार्ड हो। मैं तुम्हें दिखाती हूँ असली वाइकिंग कौन है। ए लिव, क्या तुम भी खेलोगी? हाँ ठीक है, मैं खेलूंगी, लेकिन मैं बनूंगी क्या? रॉबिन बन सकती हो तुम? हाँ चलो ठीक है, लेकिन ये पहली और आखिरी बार है। ये बात किसी और को मत बताना, ठीक है? हाँ?